प्रॉब्लम सेट थ्री, प्रॉब्लम सेट थ्री क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन इज एमसीक्यूज, ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, सॉरी टू जो है, टू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तीन पॉलिनोमियल्स है और उसके डिग्री लिखने हैं, राइट। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 5 + 3 x = 4, डिग्री क्या है 4, राइट, डिग्री क्या है 4। सेकेंड क्या है 7, इट इज कॉन्स्टेंट डिग्री 0, कॉन्स्टेंट डिग्री इज 0। ए एक्सेस टू 7 प्लस बी एक्स टू, बी एक्सेस टू 9, यहां पे क्या देखो ए एक्सेस टू 7 एंड यहां पे बी एक्सेस टू 9, समझ में। तो डिग्री क्या है इसमें, यहां पे ए और बी कॉन्स्टेंट नंबर है, ए और बी क्या है नंबर्स है, ओके। और वेरिएबल एक्स है तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 9, सो डिग्री इज 9। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। क्या क्या है, दो पॉलिनोमियल दिए है वो जंबलिंग करके दिया, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पॉलिनोमियल इज एक्स 4x² प्लस 7x = 4 माइनस x³ माइनस x + 9, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। सो 7x = 4 माइनस x³ प्लस 4x² माइनस x + 9, ओके। और सेकेंड का आंसर क्या है 5, ये माइनस लिए दिस डैश, ओके, 5p^4 प्लस 2p³ प्लस 10p² प्लस p माइनस 8, ये सेकेंड का आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन कोएफिशिएंट फॉर्म, क्या है इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। इंडेक्स फॉर्म लिखा पहले x = 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x + 16, क्वेश्चन क्या है वहां पे x = 4 प्लस 16, x = 4 plus 16, तो बीच के थ्री टर्म्स मिसिंग है, बीच के थ्री टर्म्स क्या उसमें मिसिंग है, इसलिए x = 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x + 16, तो इसकी कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगी 1 0 0 0 16, ओके। सेकंड क्वेश्चन इज m = 5 प्लस 2m² प्लस 3m + 15, ओके। अगेन इसमें देखो m = 5 प्लस 2m² प्लस 3m + 15, इतना ही दिया है, दो टर्म यहाँ पे मिसिंग है, सो कोएफिशिएंट फॉर्म इंडेक्स फॉर्म क्या है इसका m = 5 प्लस 0m = 4 प्लस 0m³ प्लस 2m² प्लस 3m + 15, ये इसका इंडेक्स फॉर्म आया, ओके। अब कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है 1 0 0 2 3 15, क्या है यहाँ पे 15, ओके, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म, राइट इन इंडेक्स फॉर्म यूजिंग वेरिएबल एक्स, ओके। कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है उसे भी क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, ओके। फर्स्ट इज 3 माइनस 2 0 7 एंड 18, क्या है 3 माइनस 2 0 7 एंड 18, मैं इसके पहले तुम्हें बताया था जब हम लोग 3.3 कर रहे थे, राइट, जब क्वेश्चन आता था हम लोग क्या करते टर्म्स काउंट करते, कितने टर्म्स है 5 टर्म्स, तो डिग्री क्या होगा 4, ओके। अब यहाँ पे कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 4, करेक्ट। सो इंडेक्स फॉर्म क्या है 3x = 4 माइनस 2x³ प्लस 0x² प्लस 7x + 18, क्या आया 3x = 4 माइनस 2x³ प्लस 0x² प्लस 7x + 18, ओके। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है 3x = 4 माइनस 2x³ प्लस 7x, मिसिंग टर्म इसमें नहीं लिखा है, मिसिंग टर्म इसमें नहीं है 7x + 18, ओके। सेकंड वन 6107, यहाँ पे कितने टर्म्स है 4 टर्म्स, सो हाईएस्ट डिग्री इज 3, 6x³ प्लस x² प्लस 0x + 7, स्टैंडर्ड फॉर्म विदाउट मिसिंग टर्म 6x³ प्लस x² प्लस 7, ओके, मिसिंग टर्म को लिखना नहीं है। थर्ड इज 4 5 माइनस 3 एंड 0, इंडेक्स फॉर्म क्या होगा 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x +
0. Standard form 4x cube plus 5x square minus 3x. Right? 0 जो 0 हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे. So 4x cube plus 5x square minus 3x. ऐसे समझ में? Okay? Write down.